न्यूज के हेडलाइन के प्रायोजक हैं एशप्रा। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक हैं डॉक्टर राणा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड एंड ट्रामा सेंटर। मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य के तहत ममता हेल्थ इंस्टीट्यूट फॉर मदर एंड चाइल्ड ने पाक संस्था के सहयोग से आयोजित किया कार्यशाला। कमिश्नर ने कहा जागरूकता से पाया जा सकता है इंसेफ्लाइटिस से निजात। महापौर की अध्यक्षता में तैयारों के मद्देनजर सुपरवाइजरों के साथ बैठक हुई संपन्न। महानगर में साफ सफाई की व्यवस्था को लेकर सफाई कर्मियों को दिए गए निर्देश। अमृत योजना के अंतर्गत निर्माणाधीन पार्कों का कमिश्नर ने किया निरीक्षण, कहा कार्यों में लाए तेजी। बार एसोसिएशन सिविल कोड के कार्यकारिणी चुनाव की मतगणना कार्य दूसरे दिन भी रहा जारी। रविवार की हुई मतगणना में कनिष्ठ उपाध्यक्ष में धनंजय, कोषाध्यक्ष में संजय, संयुक्त मंत्री पुस्तकालय में आशीष पांडे, संयुक्त और मंत्री प्रकाशन में धीरेन्द्र नाथ ने हासिल की शानदार जीत। इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चरल हेरिटेज की गोरखपुर शाखा द्वारा आयोजित हुआ क्विज प्रतियोगिता। प्रतियोगिता में कुल 110 बच्चों ने प्रतिभाग कर अपनी प्रतिभा का किया प्रदर्शन। गोरखपुर विश्वविद्यालय छात्र संघ के चुनाव अधिकारी प्रोफेसर ओपी पांडे ने संभाला कमान, कहा छात्रों की मतदाता सूची और प्रवेश कार्य समाप्त होने के बाद लिंग दो कमेटी के नियमों के तहत होगा चुनाव। विश्व फोटोग्राफी दिवस के अवसर पर संस्कार भारती द्वारा आयोजित हुआ फोटोग्राफी प्रदर्शनी, प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र देकर किया गया सम्मानित। भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा के सदस्यों ने पंजाब के कैबिनेट मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू का फूका प्रतीकात्मक पुतला। भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी को श्री राजपूत करणी सेना ने दी श्रद्धांजलि, रखा 2 मिनट का मौन। और पूर्वोत्तर रेलवे मुख्यालय बना जिला फुटबॉल लीग का चैंपियन, दिया गौतम स्पोर्टिंग को 1-0 से मात।